आदिवासी बच्चे अच्छी शिक्षा हासिल करें, वो आगे बढ़ें, ये बात नक्सलियों को कतई मंजूर नहीं है। तभी तो झारखंड राज्य के लातेहार जिले के सिरंदाग गांव में बच्चों के स्कूल को नक्सलियों ने साल 2015 में धमाके से उड़ा दिया। स्कूल को तहस नहस कर दिए जाने की वजह से अब इस स्कूल के कई सारे क्लास के बच्चों को एक साथ पढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अलग अलग क्लास के बच्चों का एक साथ बैठकर पढ़ना कितना मुश्किल होता है, इस बात को तो बच्चे भी जानते हैं। आइए सुनते हैं उनकी परेशानी। लोगों को पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है, कहे कि उन लोग है से मुआदी लोग था ना, उधर फैल से पढ़ते थे हम लोग बैठते थे, और यहाँ पर एक ही क्लास में बैठना पड़ता है। सब उन लोग था से बिल्डिंग को उड़ा दिया, तो हम लोग सब को एक ही क्लास में बैठकर पढ़ना पड़ता है। अच्छा तरीके से नहीं पढ़ाई होने पाता है, ऐसे सब क्लास के एक ही रूम में रहता है, तो हल्ला भी ज़्यादा होता है। मुआदी लोग ने वहाँ पे उड़ा दिया, अथी वहाँ एक और स्कूल था उस पर उड़ा दिया, इसलिए हम लोग का पढ़ने का दिक्कत हो रहा है, क्योंकि हम लोग सब चीज सब बच्चा पहला दूसरा हो रहा, अगर कोई भी बच्चा हो सब एक ही रूम में बैठा जा रहा है, इसलिए नहीं अच्छे तरीके से हम लोग का पढ़ाई हो रहा है। और जो किताब हो और बुक हो चावल ये सब बोरा यहीं पर रखा रहा है, यहीं पर नहीं वहाँ पर ऑफिस था तो ऑफिस भी सब उड़ा दिया लोग, तो यहीं पे सब रूमे में रखा जाता है। 3 साल पहले सर ये उग्रवादियों द्वारा मैंने बिल्डिंग उड़ा दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग का क्लास में बच्चों लोग का 3 ही रूम जो हम लोग के पास बचा था, उसी में मैंने 3 क्लास में ही 3 ही रूम में मतलब सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने हम लोग उसी में व्यवस्था की। एक क्लास में तीन मैंने क्लास एक ही वर्ग में मैंने किया गया, एडजस्ट किया गया है। दूसरी चीज़ स्कूल का जितने भी मतलब सामग्री वगैरह है, चावल वगैरह हो गया या फिर MDM का जो भी सामग्री, सब क्लासरूम में ही रखा जाता है। और यहाँ पे जितने भी मैंने स्कूल का किताब वगैरह है वो सब भी क्लासरूम में ही रखा जाता है। बच्चों ने नक्सलियों का क्या बिगाड़ा है? ये उन्हीं आदिवासियों के बच्चे हैं जिनके हितों की लड़ाई लड़ने का दावा नक्सली करते हैं, फिर क्यों इनके भविष्य के साथ वो कर रहे हैं खिलवाड़? क्या बच्चों को शिक्षा से दूर रखकर नक्सली आदिवासियों के भविष्य को नहीं कर रहे हैं चौपट? शिक्षा बच्चों के लिए जरूरी है, इस बात से बच्चे भी वाकिफ हैं, फिर क्यों नहीं नक्सली इस सच को कर रहे हैं स्वीकार?